चलिए तो भाई नमस्कार, ईट से छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के और एक नए वीडियो पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आ रही खबर, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कैबिनेट के बैठक होगा जिसमें किसानों और कर्मचारियों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। किसानों को चुनौती किस्त कौन से तारीख में मिलेगा आज पता चलने वाला है। साथ ही पेंशन को लेकर भी नई अपडेट्स हैं और आज का विधानसभा बजट सत्र के बारे में भी आज के इस वीडियो पे जानने वाले हैं। ओवरऑल आज का जो वीडियो है काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो भाई पूरी वीडियो पर बने रहिएगा। और भाई आगे बढ़ने से पहले यार, अगर आप अभी तक हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा है, क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ऐसे ही अपटूडेट इन्फॉर्मेशन लगातार चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचता रहता है, तो वीडियो के नीचे जो लाल रंग का बटन दिख रहा है उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी। जी हां, खबर आ रहा है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कैबिनेट की बैठक कर लेने वाली है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है की आज सीएम बघेल की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में किसानों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और जैसे की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले भी यह बता चुकी है की इस बार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को मिलने वाली चौथी किस्त व इस वित्तीय वर्ष का अंतिम किस्त 31 मार्च के पहले ही किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन भाई तारीख अभी तक तय नहीं किया गया है कि कौन सा तारीख में चौथी किस्त का भुगतान किया जाएगा, तो इस पर भी आज के कैबिनेट के बैठक में फैसला लिया जा सकता है। तो वही इस तरह से आज कैबिनेट की बैठक में किसानों और कर्मचारियों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं और इससे जुड़ी अपडेट्स आगे भी आप लोगों को चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात करें आज का विधानसभा बजट सत्र को, तो मिली जानकारी अनुसार छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का आज 10वां दिन है। स्कूल शिक्षा विभाग के बजट अनुदान मांगों पर चर्चा की जाएगी, साथ ही कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के विभागों के बजट अनुदान पर भी चर्चा होगी। आज विधानसभा में लगाए गए 20 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए जाएंगे। आज सदन में 5 अशासकीय संकल्प लाए जाएंगे। वही पेंशन को लेकर भी कुछ नई अपडेट्स आ रही है। जैसे की खबरें आ रही है की छत्तीसगढ़ में पहली बार थर्ड जेंडर के लोगों को भी पेंशन दिया जाएगा। समाज कल्याण विभाग की ओर से अभी तक बुजुर्ग, परित्यक्ता, दिव्यांग, निराश्रित और विधवाओं को इस तरह की पेंशन दी जा रही थी, लेकिन राज्य सरकार ने अब थर्ड जेंडर वालों को भी पेंशन देने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स मुताबिक 1 मार्च से अभी तक 600 से ज़्यादा थर्ड जेंडर ने पेंशन के लिए आवेदन भी जमा कर दिया है। विभाग की ओर से इन आवेदनों के जांच के बाद 350 रुपये महीना पेंशन दिया जाएगा और यह रकम उनके बताए खातों में ऑनलाइन जमा की जाएगी। ओके, तो ये कुछ लेटेस्ट अपटूडेट इन्फॉर्मेशन थी जो कि आज के वीडियो पर जानकारी हमने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करती है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, मित्रों को शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा है, क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अपटूडेट इन्फॉर्मेशन आगे भी आप लोगों को चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मित्रों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय जोहार, नमस्कार।